सौ साल तक भी बाल नहीं झड़ेंगे कभी किसी ने नहीं बताया होगा जरूर सुने नंबर एक मेथी को रात में भिगो कर रख दें सुबह मेथी और आधा प्याज दोनों को मिलाकर पेस्ट बना लें फिर पेस्ट को दही में मिला लें और अच्छे से अपने बालों पर इसको लगा लें आधा घंटा बाद सर को अच्छे से धो लें इससे आपके बालों में एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी और आपके बाल झड़ना बंद भी हो जाएंगे और आपके रूखे सूखे बालों को भी ये ठीक कर देगा नंबर दो दो चम्मच प्याज और दो चम्मच नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे अच्छी तरह आप अपने पूरे बालों पर लगाएं। और एक घंटे बाद बाल को अच्छे से धो लें हफ्ते में दो बार ऐसा करें आपके बाल इससे घने और मजबूत बनेंगे नंबर तीन आधा कप प्याज का रस लें और दो विटामिन ई e की कैप्सूल डालें और एक चम्मच गुलाब जल भी डाल दें फिर उसको अपने सर पर अच्छे से लगा लें उसके बाद एक घंटे बाद अच्छे से बालों को आप धो लीजिए ऐसा करने से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और झड़ेंगे भी नहीं इसके साथ ये सिल्की भी बने रहेंगे नंबर चार अगर आपके सर के बाल बहुत झड़ने लगे हैं तो बालों को चावलों के पानी से सर को धोएं। इससे आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे नंबर पाँच दस से पंद्रह सदाबहार के फूल लें उसमें छः से सात सदाबहार की पत्तियाँ भी डाल दीजिए फिर इनको अच्छे से धो लें फिर इसके बाद में एक चम्मच चाय पत्ती लें उसमें आधा कप पानी डाल दीजिए फिर इसको आपको धीमी गैस पर गर्म करना है गर्म करते करते जब यह गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल काला हो जाए तब इसको आप गैस से उतार लीजिए और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए जो आप सदाबहार के फूल लिए हैं और पत्तियाँ उनको एक मिक्सी की जार में डाल दीजिए और अच्छे से बारीक पिस कर पेस्ट बना लीजिए फिर इसमें आप एक चम्मच काफी पाउडर भी डाल दें फिर आप इस मिश्रण को ऐसे भी लगा सकते हैं या उससे भी और अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो इस मिश्रण को आप एक लोहे की कढ़ाई में तीन से चार घंटे के लिए ढककर रख दीजिए फिर आप उसको अपने सर पर बालों में अच्छे से लगा लीजिए बालों में लगाने के बाद एक घंटे बाद सर को अच्छे से धो लें इसे आपको हफ्ते में एक बार ऐसा करना है इससे आपके बाल भी सफ़ेद जल्दी नहीं होंगे और यह नेचुरल तरीके से बनाई गई डाई है एक बार इससे आप जरूर बना करके ट्राई कीजिए फर्क आप खुद महसूस करेंगे सदाबहार फूलों में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व पाए जाते हैं जो हमें हमारे स्केल्प को डेंड्रफ और इन्फेक्शन से बचाता है और बालों को काला भी करता है साथ में उनकी ग्रोथ को भी बढ़ाता है नंबर छ नींबू का पानी कंघी पर लगाकर बालों में फेरने से बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं नंबर सात जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं चोटी बनाकर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है उन महिलाओं के बाल भी नहीं गिरते हैं नंबर आठ पानी में नींबू का रस मिलाकर एक सप्ताह तक प्रतिदिन बालों की जड़ों में उंगलियों से अच्छी तरह से मसल लें और फिर थोड़ी देर बाद बालों को धो दे इससे बालों में आपके रोसी खत्म हो जाएगी नंबर नौ प्याज को पीसकर उसका दो चम्मच रस निकालकर बालों की जड़ों में लगाएं इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बाल चमकदार और साइनी भी बने रहेंगे नंबर दस मेहंदी को कलर आने तक ही बालों में लगाकर रखें बहुत ज़्यादा देर तक आपको मेहंदी को बालों में नहीं लगाना रहता है क्योंकि इससे मेहंदी आप जितनी देर तक बालों में लगाए रहेंगे उतनी देर तक आपके बालों की वो नमी सोख लेगी नंबर ग्यारह आंवले का मुरब्बा खाएं। आंवला आप चाहे तो कच्चा भी खा सकते हैं उसकी चटनी भी बनाकर खा सकते हैं आंवला रोज खाना चाहिए इससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे और झड़ेंगे भी नहीं आंवले का तेल आप घर पर भी बनाकर बालों में लगा सकते हैं नंबर बारह अगर आपके बाल ड्राई हैं तो हफ्ते में एक बार बालों पर गर्म तेल की मसाज व भाप दे गर्म तेल बालों को ड्राई होने से रोकेगा और उन्हें मुलायम चमकदार बनाएगा नंबर तेरह अगर आप बालों का झंडा बंद करना चाहते हैं तो एलोवेरा का छिलका हटाकर उसको चाकू से कद्दूकस कर ले और सरसों के तेल में अच्छे से हाथ से मिक्स करें फिर इसमें आप एक चम्मच कलौंजी डाल दें फिर इसे गैस पर 10 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख दें फिर उसको ठंडा होने के बाद में कंटेनर में भर के रखें और हफ्ते में दो बार इसे बालों की जड़ों में और पूरे सर की मालिश करें ऐसा करने से आपके दो मुँह बाल भी ठीक हो जाएंगे बाल झड़ना भी बंद हो जाएगा और आपके बाल सफेद भी नहीं होंगे नंबर चौदह अगर आपके बाल ज़्यादा गिरते हैं तो चाय पत्ती की पानी से बालों को धोए इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे नंबर पंद्रह आप अपने बालों पर नेचुरल तरीके से कलर करने के लिए चुकंदर का रस भी लगा सकते हैं इससे बहुत अच्छा कलर आता है और अगर बालों में आपकी खुजली हो रही हो तो नीम की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट बालों में 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर उसे धो लें इससे आपके बाल शाइनिंग भी होंगे और आपका बालों में जो खुजली हो रही थी वो भी दूर हो जाएगी तो फ्रेंड्स हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए धन्यवाद